गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज संडे मॉर्निंग है तो चलिए आज गर्मा गर्म आलू टमाटर पोहा बनाते हैं। ये मेरा तरीका है, एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करिए। आलू टमाटर पोहा बनाना बहुत ही खिला खिला बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गर्मा गर्म आलू टमाटर पोहा बनाना। आप लोगों का गीतिका जायकेदार कुमाऊनी रसोई में आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, जिसको आलू टमाटर पोहा भी आप बोल सकते हो। पोहा बहुत टाइप से बनता है, बहुत अलग अलग तरीकों से लोग पोहा बनाते हैं। मेरा तरीका यही है कि मैं पोहे में आलू और टमाटर डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं चीनी को थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बहुत लोग चीनी डाल के भी उसको बनाते हैं खट्टा मीठा, लेकिन टमाटर डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू टमाटर पोहा बनाना। पहले पोहा बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं और ये गरम हो गया है। इसमें मैं सबसे पहले ये मूंगफली रोस्ट करूंगी। ये मैंने 1/2 बाउल मूंगफली ली है, आप इससे ज्यादा और कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितने ज्यादा मूंगफली आपको पोहे में अच्छी लगती है उतना डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 जनों के लिए पोहा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1/2 बाउल ली है। अब मैं इसको रोस्ट करूंगी, इसको जलाना नहीं है, कंटिन्यू स्टियरिंग करना है और गैस की फ्लेम को मूंगफली रोस्ट करते टाइम पे लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम मूंगफली रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। और 3 से 4 मिनट में ये मूंगफली रोस्ट हो जाएगी और हम इसको फिर तेल से अलग कर देंगे। मूंगफली मेरी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये रोस्ट हो गई है, इससे ज्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे और इसको हम निकाल देंगे। मूंगफलियां हटा ली हैं। अब सबसे पहले मैं इसको पोहे के तड़के में सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ लिया है, सौंफ का तड़का लगाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ डालने से। और 1 चम्मच मैं इसमें 1 से 2 चम्मच ये काली सरसों है उसका तड़का लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट भूनने दूंगी। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट भी ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद मैं इसमें अब मैं इसमें करी पत्ता डाल देती हूँ, 1-2 मिनट के बाद डालना है। और मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैंने एक प्याज है और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसको मैं अब इसमें तड़के में डाल दूंगी। इसको 2-3 मिनट प्याज को फ्राई करना है। ये मेरा तरीका है पोहा बनाने का, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसे 2-3 मिनट प्याज को ऐसे ही फ्राई करूंगी। 3 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए। इसमें मैंने अब ये एक आलू लिया है, इसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं, पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, इसको मैं अब आलूओं को डाल दूंगी। अब आलू को 2-3 मिनट फ्राई करूंगी। ये मैंने आलू 2-3 मिनट हो गए हैं आलू को भून लिया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच मैं नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मुझको इसी ऑयल में आलूओं को पकाना है 5-6 मिनट के लिए। जब थोड़े से आलू सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। तो अभी मैं इसमें मैंने ये नमक मिलाया है, अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1 से 2 चम्मच छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से जो आप खाते हैं जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए, ये मैं मसाले डालती हूँ तो इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ। इसको अब मैं मिला दूंगी अच्छे से। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट इसको आलूओं को पकाऊंगी ताकि ये आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसे अब कवर कर लेती हूँ और इसको 5 मिनट पकने देती हूँ।
आलू सॉफ्ट होते हैं, आलू पक रहे हैं, तब तक मैं ये पोहे को धो लेती हूँ। ये मैंने 3 कटोरी पोहा लिया हुआ है, ये नॉर्मल जिससे हम पोहा बनाते हैं वही वाला है। तो इसको मैं एक बार पानी से वॉश कर लूंगी, इसको ज्यादा धोना नहीं है, सिर्फ एक बार पानी डालेंगे ताकि जो इसकी गंदगी है वो निकल जाए। हल्के हाथों से इसे एक बार हिला लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको मैं, ये देखिए, अब मैं इसका पानी इसको निकाल लेती हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। मैंने इसका पानी सारा निकाल दिया है, इसको मैं अब ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, सारा पानी हम लोग इसको छान लेंगे और इसे अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक मेरा ये मसाला तैयार नहीं होता है। तो ये मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ 5 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम लोग ये जो मैंने आलू का मसाला बनाया था इसको भी हिलाते रहेंगे, बीच बीच में हिलाना है और कवर लगा के इसको चेक करते रहेंगे कि ये पका है या नहीं पका है। और ये सब मैंने लो फ्लेम में कर रही हूँ, मेरी फ्लेम लो है, अभी नहीं पका है। मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ, हल्के से सॉफ्ट है, 2 मिनट के बाद फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए ये आलू मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, ये पक गए हैं, ये टूटने लग गए हैं आराम से। अब मैं इसमें, मैंने ये 2 छोटे टमाटर लिए हैं, आप एक टमाटर जितना आप डालना चाहते हैं ले सकते हैं, मेरे 2 छोटे छोटे टमाटर हैं, ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, अब मैं इनको डाल दूंगी। टमाटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है। इसमें कई लोग नींबू डाल के बनाते हैं और शुगर डाल के बनाते हैं, तो शुगर और नींबू से अच्छा है कि आप 1 से 2 टमाटर डाल दो, वही टेस्ट आता है जो आप नींबू से डालते हैं, बल्कि उससे अच्छा टेस्ट आएगा इसमें टमाटर डालने से। ये देखिए टमाटर डाल दिया, और 2-3 मिनट में इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि 2-3 मिनट में हल्के से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर डाल दिए हैं और अब मैं इसमें ये पोहा डाल दूंगी। ये एकदम खिला खिला पोहा बनेगा, बिल्कुल चिपचिपा चिपका हुआ पोहा नहीं बनेगा। तो मैं इसमें सारा ये डाल देती हूँ, अब इसको एकदम हल्के हाथों से हमें हिलाना है, नहीं तो ये पोहा टूटेगा। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे मसाले के साथ, ये मैंने अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है, और इसे अभी मैं 2-3 मिनट इसी में ढक्कन लगा के रख दूंगी ताकि इसके जो फ्लेवर है मसाले के, वो पोहे में अच्छे से निकल मिल जाए और अच्छा टेस्ट आए, नहीं तो अभी थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता है अगर मैं इसको तुरंत ही निकाल दूंगी। ये देखिए अभी मैं इसको 2-3 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ, लो फ्लेम में रखा है इसको, एकदम लो फ्लेम में रखेंगे और 2-3 मिनट इसको मैं ऐसे ही कवर लगा के रख दूंगी ताकि इसका जो भाप से ये अच्छे से और अच्छे सॉफ्ट और खिले खिले बने। तो देखिए ये 2-3 मिनट हो गए हैं पोहा को, पोहा तैयार हो गया है। मैं इसकी अब प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, और मैं मूंगफली हमेशा लास्ट में डालती हूँ, इसके ऊपर से नहीं डालती हूँ मूंगफली। तो मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ये मेरा पोहा बनके तैयार हो गया है। मैं हमेशा इसको ऐसे ही बनाती हूँ आलू टमाटर और प्याज के साथ, और एक बार आप लोग भी इस तरीके से पोहा बना के देखिए कैसा लगता है आप लोगों को। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, टमाटर से थोड़ा सा खट्टा और मीठा वाला टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है और एक अलग टेस्ट आता है, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। तो मेरा यही तरीका है पोहा बनाने का, तो ये मेरा आज ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है पोहे का। आप लोग भी इसको बनाइए खाइए, और मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाला पोहा कैसा लगा। तो आपने ये मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखा आपने, बहुत इजी था पोहा बनाना, हर किसी का अपना एक तरीका होता है पोहा बनाने का, मेरा तरीका यही था, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, और आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी हेल्दी सब्जी आप लोगों को पसंद है, और अच्छा इसको हैवी बना सकते हैं। मैं हल्का फुल्का ही पोहा बनाती हूँ ब्रेकफास्ट संडे का, आज का मेरा ये ब्रेकफास्ट था। तो आप लोग भी एक बार मेरे इस तरीके से पोहा जरूर बनाइए, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए। आप लोगों ने ये मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू।